देसी लालन बावा ने अब सौ वैष्णववती विनंती करीश कि आप यमुनाष्टक ना नौमा श्लोक नो दर्शन करावी अमो ने सौ ने लाभान्वित करशो। आज आ रही चिंता संतानांतारो यत्पादां मुजरेवः स्यानांतां निराचार्या प्रणवामि मुर्मुः यगनो ग्रहतो जन्तु सर्वदुःखात् गोपवे तमाम सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाननशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्विस्ता त्रिविस्तदा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पत्रो विराजमान परम पूज्य पितृचरण के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ एवं बड़े दादा बड़ियत्ता के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ और आप सब वैष्णव आचार्य बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप दादा के मुखारविंद से श्री यमुनाष्टक का रसपान कर रहे हैं क्योंकि जब आचार्य और गुरु की कृपा उन पे होती है तब हमको श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी और ब्रज के अलौकिक दर्शन होते हैं। जब तक आचार्य और गुरु की कृपा हम पे नहीं होती है तब तक हमको श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी और ब्रज के अलौकिक दर्शन नहीं हो पाते हैं। एक प्रसंग आता है, एक बार श्री गोकुलनाथ जी अपने वृष्णवन के साथ सत्संग कर रहे थे तो श्री गोकुलनाथ जी ने एक प्रश्न पूछा कि बताओ सबसे सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है। तो एक वैष्णव ने कही कि गिरिराज सबसे सर्वोत्तम तीर्थ तो ब्रज है। तो श्री गोकुलनाथ जी ने कही गलत, तुम ब्रज को तीर्थ मानो, वो तो तीर्थों को भी पावन करने वालों है और सबसे सर्वोत्तम तीर्थ तो प्रयागराज है। तो श्री गोकुलनाथ जी ने दूसरा प्रश्न पूछी कि बताओ बताओ सबसे सर्वोत्तम पर्वत कौन सा है। तो एक वैष्णव ने कही कि सबसे सर्वोत्तम पर्वत तो श्री गिरिराज जी है। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कही गलत, तुम श्री गोकुलनाथ जी को पर्वत मानो, वो तो भगवत स्वरूप है, वो तो भगवत स्वरूप है और सबसे सर्वोत्तम पर्वत तो सुमेरु है। तो श्री गोकुलनाथ जी ने तीसरा प्रश्न पूछी कि बताओ
सबसे सर्वोत्तम नदी कौन सी है? तो एक प्रश्न हमने कही कि गुजरात सबसे सर्वोत्तम नदी तो श्री यमुना जी है। तो श्री गोपीनाथ जी ने गलत, तुम श्री यमुना जी को नदी मानो हो, वो तो भगवत स्वरूपा है और सबसे सर्वोत्तम नदी तो श्री गंगा जी है। शास्त्रों में श्री ठाकुर जी को सो वैसा के हो गए है। ठाकुर जी रस रूपी है और रस सो वैसा के दो प्रकार, एक घनीभूत और एक द्रवीभूत। श्री गिरिराज जी घनीभूत है और श्री यमुना जी द्रवीभूत है। यह प्रकार से श्री गोकुलनाथ जी ने श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी और ब्रज के अलौकिक दर्शन वैष्णव को बतायो है। तो अपन को तो जब गुरु कृपा और आचार्य की कृपा बनते हुए तब अपन को श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी और ब्रज के अलौकिक दर्शन हो गए हैं। तो बस सदा अपन गुरु को आश्रय रखें, यही मंगल भाव के साथ ना। बोलो श्री वल्लभ की जय, साईं जी परम दया। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री अपने महारानी की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। यस्यानुकंपा वशत सुदुर्लभम मानुष्यमाप्तम परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां यस्य साम्यातिशयेन राधसां स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। हम श्री यमुनाष्टक स्तोत्र में प्रवेश करें उससे पहले आइए 2 मिनट हम श्री यमुना नाम लें। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, हरे बोलो श्री यमुना जी की जय, बोलो यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, बोलो यमुना जी की जय, जय बोलो यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, हरे बोलो श्री यमुना जी की जय, हरे बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना।
श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। अत विराजमान परम पूज्य पितृचरण के चरणामृत में प्रणाम करता हूँ एवं श्री आयुष्मान स्वियान बाबा और पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए आप सब वैष्णव वृंद, आइए हम श्री यमुनाष्टक स्तोत्र में प्रवेश करते हैं। गत सत्संग में हमने श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के अष्टम श्लोक के दर्शन किए थे, जहाँ पर आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि श्री यमुनाथ जी की स्तुति करना अशक्य है। स्तुतिम तव करोति कह, श्री यमुनाथ जी की स्तुति करना अशक्य है क्योंकि यमुनाथ जी आप प्रभु से संबंधित हैं। रसो वै सह परमात्मा की स्तुति मन वाणी इंद्रियां नहीं कर सकते। इसी प्रकार से श्री यमुनाथ जी की भी स्तुति मन वाणी इंद्रियां नहीं कर सकती, क्योंकि सकल गात्र जय संगम की जब ठाकुर जी आप गोपियों के साथ यमुना जी में जल विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, तब स्मरण श्रम आपकी जो श्रम की जो श्वेत बिंदु है, जल बिंदु है, वह श्री यमुना जी में वह रस द्रवित हो जाए। और सकल गात्र जय संगम की सकल सर्वांग से शिख से लेके नख तक सकल श्री अंग से आपके रस वह द्रवित हो रहा, इसलिए यमुना जी की स्तुति करना अशक्य है। तो आज हम श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के नवम श्लोक के दर्शन करेंगे, जिसमें श्री आचार्य चरण ने यह अष्टक के पाठ का फलश्रुति आपने यहाँ पे निरूपण किया। तो आइए सर्वप्रथम हम नवम श्लोक का गायन करें। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरे। तो यहाँ पे इस श्लोक में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि तवाष्टकम इदं मुदा पठति सूरसूते सदा, कि हे सूरसूते, हे सूर्य पुत्र श्री यमुना जी। देखिये वैष्णवो, यहाँ पे श्री यमुना जी ने ठाकुर श्री आचार्य चरण ने सूर्य सूते यह शब्द कहकर श्री यमुना जी को संबोधित किया है। आपने सूर्य पुत्री यह क्यों कहा? क्योंकि श्री यमुना जी और सूर्य में बहुत समान गुण एवं शक्तियां विराजमान है, कि जिस प्रकार से सूर्य गर्मी देता है, ताप देता है, उसी प्रकार से यमुना जी आप विरह ताप का दान करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य जीवन देता है, उसी प्रकार से यमुना जी आप भगवतीय जीवन का दान करते हैं। और जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश देता है, उसी प्रकार से यमुना जी आप भगवत ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और जिस प्रकार से सूर्य कमल को खिलाता है, उसी प्रकार से श्री यमुना जी आप भक्त के हृदय रूपी कमल को खिलाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य और श्री यमुना जी में कई समान गुण एवं शक्तियां, परंतु सूर्य में हम आदि भौतिक और आध्यात्मिक यह शक्ति हम देख सकते हैं, लेकिन श्री यमुना जी में दो आदि दैविक शक्ति विराजमान है जो सविशिष्ट है। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य चरण ने सूर्य सूते यह शब्द कहकर श्री यमुना जी को संबोधित किया। तो आप श्री क्या कहते हैं कि हे सूर्य सूते श्री यमुना जी, तवाष्टकम अर्थात आपका यह जो अष्टक है उसका जो पाठ करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। समस्त दुरित क्षयो,
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते और वह पाप भी कैसे कि जो भगवत मिलन में विलंब करवा तो वह समस्त पाप नष्ट हो जाते। जैसे ब्रह्म संबंध लेने पर सर्वदोष निवृत्ति भी अर्थात सर्व दोषों से निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से श्री अमनाशक स्तोत्र का पाठ करने पर समस्त दुरितक्षयो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और लेकिन लेकिन यमनाष्टक स्तोत्र का पाठ किस प्रकार से करें? ऋषि आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि मुदा, हमें मुदा शब्द से तीन भावार्थ समझने चाहिए। पहला कि पाठ करते समय प्रत्येक चरण पंक्ति श्लोक को उनके अर्थन को उनके भावार्थ को विचार कर हमें यह अष्टक का पाठ करना चाहिए। यह मुदा शब्द से हमें प्रथम भावार्थ समझना चाहिए। द्वितीय कि जो छंद में यह अष्टक है उसी छंद में हमें यह अष्टक का गान करना चाहिए। यह अष्टक कौन से छंद में है कि पृथ्वी छंद में है। और हमें यह यमनाष्टक स्तोत्र का किस प्रकार से गान करना चाहिए? तो इस प्रकार से नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु बोला मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरे उत्कटाम तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरा सुर सपूजित स्मर पितु श्रियम मे प्रति। तो वैष्णवो इस प्रकार से पृथ्वी छंद में हमें यमनाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह मुदा शब्द से हमें द्वितीय अर्थ समझना चाहिए। तृतीय कि हमें जब हम यह अष्टक का पाठ करें तब हमें गणना पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कई वैष्णव होते हैं कि आज मैंने 41 बार यमनाष्टक स्तोत्र का पाठ किया, आज मैंने 21 बार किया, आज मैंने 9 बार किया। वह गणना पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें गणना पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल वैष्णव हम एक ही बार क्यों ना यमनाष्टक स्तोत्र का पाठ करें, वह एक ही बार में हमें धीरे धीरे प्रेम पूर्वक सरलता से यमनाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो ये तीन भावार्थ हमें यह मुदा शब्द से समझने चाहिए। तो ये जो आचार्य जी महाप्रभु की बताई हुई जो रीत है, उस रीत से अगर कोई जीव यमनाष्टक स्तोत्र का पाठ करे तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और वैष्णव आचार्य चरण ने यहाँ पे कहा कि इदम मुदा, इदम आपने इदम शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे जो आचार्य चरण फल बताते हैं वह फल यही अष्टक के पाठ करने से ही प्राप्त होता है। वैसे तो श्री अमरनाथ जी पे कई आचार्यों ने अपने भाव प्रकट किए हैं, परंतु श्री वल्लभाचार्य जी ने जो यह यमनाष्टक स्तोत्र प्रकट किया वह उसका पाठ करने से ही यह समस्त यह फल प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे आपने इदम शब्द का प्रयोग किया और इदम शब्द का प्रयोग किया। आगे आप श्री आज्ञा करते हैं कि भगवत भवति वै मुकुंदे रति, जब जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके मन में मुकुंद भगवान के प्रति रति जागृत होती है। इसलिए यहाँ पे कहा भवति वै मुकुंदे, जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होते तब तक मुकुंद भगवान में रति उनके प्रति रति जागृत नहीं होती।
और यह पाप अनिष्ट होना भगवत रति उत्पन्न होने का कारण है। तो जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को नष्ट कर देती है, उससे भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि यह कर्म बंधनों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान से यह कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान कष्ट साध्य कठिन है, परंतु श्री अमनाष्टक सूत्र का पाठ करने से ही सरलता से समस्त दुरित क्षय समस्त पापों का क्षय हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और मुकुंदे रति कि जब जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तब मुकुंद भगवान उस पर कृपा करके उसे अलौकिक रति का दान करते हैं। वैसे तो यह जो अलौकिक रति है उसका दान आप अन्य किसी को भी नहीं करते, आप अन्य किसी को भी नहीं करते। इसलिए जैसे उद्धव जी प्रभु के बड़े कृपा पात्र थे, और जब उन्हें भगवत रस अनुभव करवाने का समय आया, तब प्रभु ने उन्हें गोपियों के पास व्रज में भेजा। आप चाहते तो आप खुद भी उन्हें भगवत रस का अनुभव करा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो जो यह अलौकिक रति है उसका दान आप अन्य किसी को भी नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद के सप्तमें अध्याय के सप्तदशमें श्लोक में श्री सुखदेव जी आज्ञा करते हैं कि राजन पति गुरुर्लम्बवताम् यदूनाम् एवं प्रिया कुलपति कच किंकरो वह अस्त्येव मंगु भगवान भजताम् मुकुंदो मुक्तिम् ददाति कथित स्मन भक्ति योगम्। अर्थात हे राजन, भगवान यदुवंशियों के और पांडवों के कुलपति हैं, उनके सुहद हैं, उनके गुरु हैं, और कृपा करने पर उनके कभी कभी तो सेवक भी बन जाते हैं, और उन्हें मुक्तिम ददाति उन्हें जो मोक्ष है उसका दान करते हैं, परंतु मोक्ष से बढ़कर जो भक्ति है करिष्यत मन भक्ति योगम कि मोक्ष से बढ़कर जो भक्ति है वह अलौकिक जो रति है उसका दान आप किसी को भी नहीं करते। इसलिए गोकुलेश प्रभु चरण ने यह चरण के अर्थ अपनी विवृति में करते हैं कि प्रभु यह अष्टक का पाठ करने से प्रभु का स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है, कि जो रति आप अपनी स्वामिनियों को ही प्रदान करते हैं वह रति आप यह अष्टक के पाठ कर्ता को देते हैं। आपका स्वभाव कैसा है कि आप मुकुंद आप मोक्ष को देने वाले हैं। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है, आपको स्मरण होगा कि हमने मुकुंद शब्द का अर्थ हमने श्रवण किया था कि मुकुंद शब्द का अर्थ होता है जो मोक्ष को दे। तो भगवान का स्वभाव मोक्ष को देने वाला है, मुक्ति को देने वाला है, परंतु श्री यमनाष्टक स्तोत्र का जो पाठ करे उसे प्रभु आप मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति है अलौकिक जो रति है उसका दान आप करते हैं। अब यहाँ पे जिज्ञासा होती है कि जब प्रभु आप जीव को यमनाष्टक सूत्र के पाठ करता को जब आप वह अलौकिक गति का दान करते हैं तब वह अलौकिक गति से क्या होगा। तो श्राचार्य चरण आज्ञा करते हैं दया सकल सिद्धयो मुररि पुष्ट संतुष्यति। अर्थात प्रभु आप मुरारी भगवान आप प्रभु वह जीव पे यमनाष्टक स्तोत्र के पाठ करता पे प्रसन्न होंगे। प्रसन्न ही नहीं अभी तो भली भांति से प्रसन्न होंगे। भली भांति का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से प्रभु आप गोपियों पे प्रसन्न हुए दया सकल सिद्धयो, जैसे आप गोपियों पे प्रसन्न हुए उसी प्रकार से आप वह अष्टक के पाठ करता पे भी आप प्रसन्न होंगे। आप संतुष्ट होंगे।
और शाचार यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि मुरली पुष्ट, यह च शब्द से शाचार हमें स्वामिनी जी का रूप बताते हैं कि भगवान तो भली भांति से प्रसन्न होंगे ही, परंतु उनके साथ श्री स्वामिनी जी भी अष्टक के पाठ करता पे भली भांति से प्रसन्न होंगे, तो इसलिए यहाँ पे मुरली पुष्ट यह कहा। और मुरली मुरारी, आपको स्मरण होगा कि हमने मुरारी शब्द का अर्थ देखा था कि मुरारी शब्द का अर्थ होता है कि मुर नामक जो दैत्य था जो भक्तों को भगवत मिलन में विलंब करवा रहा था, वह मुर नामक दैत्य जो जल दोषात्मक था उसका उद्धार प्रभु ने किया। तो इसी प्रकार से जो भगवत मिलन में जो दोष बाधा करते हैं उसे भगवान आप मिटाते हैं, उसे निवृत्त करने वाले हैं। तो यह अष्टक का फल आप यहाँ पे श्री आचार्य चरण बताते हैं कि भली भांति से प्रभु प्रसन्न होंगे, समस्त अधूरी तक्षय की समस्त पापों का क्षय हो जाएगा। अब आगे आचार्य चरण यह अष्टक के अन्य फल आप बताते हैं कि स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभश्री हरे, अर्थात यह जो अष्टक का पाठ करता है उसके स्वभाव विजयो भवेत, वह अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना। स्वभाव पे विजय प्राप्त करने का अर्थ यह होता है कि जो जीव का जो दुष्ट स्वभाव है वह स्वभाव से वह निवृत्त होकर अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करके पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला में वह स्वभाव को प्रयोग करता है। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में स्वभाव परिवर्तित करना यह बड़ा कठिन काम है, क्लिष्ट काम है, और यह जगत में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है कि वह ऐसा कैसा कि आप ये गोली खा लो आपका स्वभाव ठीक हो जाएगा। हाँ, वह ये कह सकता है कि आप ये गोली खा लो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आप ये गोली खा लो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, पर आप ये गोली खा लो आपका वो ठीक हो जाएगा, परंतु वो ये नहीं कह सकता कि आप ये गोली खा लो आपका स्वभाव ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा कोई डॉक्टर है? आप बताइए मुझे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। तो स्वभाव परिवर्तित करना बड़ा ही कठिन काम है, परंतु श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का पाठ करने से सरलता से ही स्वभाव विजयो भवे कि स्वभाव पे विजय प्राप्त हो जाती है। और इसके प्रमाण हमें धर्म ग्रंथों में वार्ता जी में भी मिलते हैं। आप वार्ता जी में देखें कि 252 की वार्ता में कि एक गोसाई जी के एक सेवकनी थी और वह सेवकनी का एक पुत्र था जो बाट मारता अर्थात चोरी करता लूटता। और एक दिन की बात है, श्री गोसाई जी आप गोकुल से रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए द्वारका पधार रहे थे, तो बीच में आपकी सेवकनी का गांव आया तो वहां पे आपने डेरा किया, और कुछ समय में वह सेवकनी का बेटा चोरी कर रहा था तो उसको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए, और गुसाई जी के जैसे ही उसको दर्शन हुए उसकी बुद्धि फिर गई, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वह श्री गुसाई जी के शरण में आया और विनती करी कि महाराज मुझे शरण लीजिए। तो गुसाई जी ने कहा कि तू तो चोरी करता है तो हम तुझे शरण नहीं ले सकते। तब वह लड़के ने कहा कि अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं खेती करके अपना निर्वाह करूंगा। तो श्री गोसाई जी ने उसे तो श्री गोसाई जी ने उसे शरण में ली। तो वैष्णवो, यह प्रसंग के माध्यम से हमें यह पता चला कि वह जो लड़का था उसका स्वभाव चोरी करना था, लूटना था, परंतु भगवत स्वरूपों की उस पर कृपा दृष्टि हुई तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया। क्योंकि जीव का स्वभाव राजस है, तामस है, सात्विक है, परंतु जब वह यह अष्टक का पाठ करे तब यह सात्विक राजस तामस स्वभाव को
से निवृत्त होकर गुणातीत स्वभाव को प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा है स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे, कि स्वभाव पे वह जीव विजय प्राप्त करता है। जो स्वभाव परिवर्तित होना जो बड़ा कठिन काम है, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु यहाँ पे बताते हैं कि वह जीव अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त। अब यहाँ पे किसी पूर्व पक्षी को शंका होती है कि जो स्वभाव पे जो स्वभाव परिवर्तित होना जो बड़ा ही क्लिष्ट है, कठिन है, वह यह अष्टक का पाठ करने से ही सरलता से उस जीव उस पर विजय प्राप्त करता हूँ, इसकी प्रामाणिकता क्या है, हम कैसे मान लें? तो आचार्य चरण इसकी प्रामाणिकता देते हुए आज्ञा करते हैं कि वदति वल्लभ श्री हरे, और इस चरण का अर्थ श्री हरिराय जी महाप्रभु हरिराय महाप्रभु अपनी टिप्पणी में करते हैं कि श्री हरे है, यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होती है कि जब संबंध के लिए, जब संबंध की बात करनी हो तब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और श्री हरे यह षष्ठी विभक्ति है, तो अपन अर्थ देखें तो यह अर्थ होता है कि हरि से जिसका संबंध हो, या फिर हरि से जिसका संबंध हो वह वल्लभ कह रहे हैं कि वदति वल्लभ श्री हरे। और यहाँ पे आचार्य चरण श्री हरे, श्री श्री से आप स्वामी जी का रूप बताते हैं कि श्री स्वामी जी और हरे अर्थात प्रभु, तो भगवान और स्वामी जी की जो प्रिय है, क्योंकि वल्लभ शब्द का एक अर्थ प्रिय भी होता है, तो स्वामी जी और प्रभु की जो प्रिय है वह वल्लभ है। तो हमें श्री वल्लभ की वाणी पे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अष्टक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह अष्टक का पाठ करना चाहिए कि यह वल्लभ की ही वाणी है। यह भाव से रख के हमें अष्टक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की पुष्टि पुरुषोत्तम की जो लीलाएं हैं उनके साक्षात श्री वल्लभ आप साक्षी हैं। इसलिए सौंदर्य पद में भी कहा कि सौंदर्यम निजरुद्गतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपम च पुनस्तदंतरगतम प्राविशत स्वप्रिय संश्लिष्टावभयोर्वभौ रसमय कृष्णोयात् साक्षिकम रूपम तत्र दयात्मकम परमभिधेयम सदा वल्लभम। अर्थात कि जब प्रभु के अंदर हुआ स्त्री भावात्मक रूप जो प्रकट हुआ, और स्वामी जी के अंदर रहा हुआ जो पू भावात्मक रूप प्रकट हुआ, तब जो तृतीयात्मक स्वरूप जो प्रकट हुआ वह वल्लभ का स्वरूप है। तो यह जो पुष्टि पुरुषोत्तम की जो लीला है उनके वल्लभ आप साक्षात उनके साक्षी। और श्री यह वल्लभ की सेवा कोई नहीं जान सकता, इसलिए श्री गोसाई जी आप श्री स्मृत कृष्ण प्रेमामृत सप्त श्लोकी में आज्ञा करते हैं, क्वचित पांडित्यम चेन्न निगम गति स्यापि यदि न क्रिया सापि स्याद् यदि न हरिमार्गे परिचयः, यदि स्यात् सोपि श्री व्रजपतिर तीर्थैति निहितैः गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम्। अर्थात क्वचित पांडित्यम चेत्, यह जगत में ऐसे पंडित ऐसे विद्वान होते हैं जिनने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, परंतु वह वेद को नहीं जानते, न निगम अगति, वह वेद को नहीं जानते। और यह जगत में कई ऐसे भी विद्वान होते हैं कि क्रिया सापि स्यात्, जो वेद को तो जानते हैं पर उसके अनुसार क्रिया नहीं करते। और ऐसे भी कोई पंडित होते हैं कि क्रिया सापि स्यात् यदि न हरि मार्ग परिचय, कि वह वेद को भी जानते हैं उसके अनुसार क्रिया भी करते हैं, परंतु न हरि मार्ग परिचय, यह जो हरि का मार्ग है उससे वह परिचित नहीं है, भक्ति मार्ग से वह परिचित नहीं है। और यह जगत में
ऐसे भी विद्वान होते हैं कि यदि सोपी श्री कि वह वेद को भी जानते हैं, उसके अनुसार क्रिया भी करते हैं, भक्ति मार्ग को भी उनसे भी वह परिचित हैं, परंतु श्री वज्रपति नयति निखिल कि जो व्रज के जो अधिपति है उनकी जो अलौकिक कृति है उसका उससे वह परिचित नहीं। तो गुणयन्नेह कोवा, वैसे संपूर्ण गुण वाला पुष्य पुरुषोत्तम की लीला का जो साक्षी कौन है? तो आज्ञा श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि विलसति बिना वल्लभ वरम, ऐसे संपूर्ण गुण वाले श्री वल्लभ ही हैं। तो श्री वल्लभ की वाणी पे, क्योंकि सर्वोत्तम जी में भी आपका एक नाम है कि वाक्पते नमः वैश्वानराय नमः, कि वाक्पते अर्थात वाणी के जो पति हैं वह वल्लभ। तो वल्लभ, तो यहाँ पे श्री वल्लभ की वाणी प्रमाणित है। तो हमें श्री अन्नाष्टक स्तोत्र का पाठ श्री वल्लभ की ही वाणी है यह भाव से करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभु श्री वल्लभ ने हमें नौवें श्लोक में श्री अन्नाष्टक स्तोत्र की फलश्रुति का आपने यहाँ पे निरूपण किया है कि आपने यहाँ पे दो फल बताए कि एक तो समस्त अधूरित क्षयों के समस्त पापों से निवृत्ति होना और दूसरा स्वभाव विजयो भवे, कि स्वभाव स्वभाव में विजय प्राप्त करना। तो यह वैष्णव यह वल्लभ ने हमें यमनाष्टक स्तोत्र एक मैग्निफाइंग ग्लास रूप दिया है। आप कोई हमें कोई अच्छी तरह कोई चीज को देखना होता है तब हम वो मैग्निफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से यह अष्टक मैग्निफाइंग ग्लास है और यह अष्टक पे हम अगर ध्यान से देखें, इनके अर्थ को ध्यान से समझे तो हमें यमुना जी के साक्षात आदि देवी स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो वल्लभ ने हमें यह अष्टक एक रत्न रूप में दिया और वैष्णव रत्न को पहचानने के लिए दो चीज बड़ी आवश्यक, पहला जौहरी और दूसरा प्रकार। यह बात मैंने अपने ताचरण के सर्वोत्तम जी के वचनामृत में श्रवण की थी कि रत्न को पहचानने के लिए दो चीज की बड़ी आवश्यकता है, पहला जौहरी और दूसरा प्रकाश। अगर जौहरी हो परंतु प्रकाश ना हो तो रत्न नहीं पहचाना जा सकता, और अगर प्रकाश हो लेकिन जौहरी ना हो तो भी रत्न नहीं पहचाना जा सकता। तो यह दोनों चीज बड़ी आवश्यक। तो इसी प्रकार से श्री वल्लभ ने हमें यह अष्टक रत्न रूप में दिया है और इसको पहचानने के लिए प्रकाश रूप या जो प्रभु चरण की विवृत्ति है, हरिराय महाप्रभु जी की जो टिप्पणी है, पुरुषोत्तम जी की जो विवृत्ति है, द्वारकेश जी की जो टीका है, यह सब टीका यह सब भाव प्रकाश रूप है। और जौहरी कौन है? जौहरी श्री वल्लभ है, कि वल्लभ ने ही अन्नाष्टक सूत्र की रचना की। तो बस यह सूत्र तो बड़ा ही विशिष्ट है और मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं श्री अन्नाष्टक सूत्र की श्री यमुना जी की महिमा का गान कर सकूं, क्योंकि यमुना जी की महिमा का गान करना जितना अपन गान करें उतना कम है। तो और मैं आपको जो भी कुछ थोड़ा बोल पाया वो तो श्री वल्लभ की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, पूज्य श्री ताचरण की कृपा है, पूज्य श्री बड़े दादा जी की कृपा है, परम पूज्य श्री पितृचरण की कृपा है। यह बड़े इनकी कृपा से ही मैं आपको यह जो थोड़ा कुछ सुना पाया, नहीं तो मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, मैं तो अल्पमति। तो बस ज्यादा ना कहते हुए और आप सब वैष्णव का भी मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, और क्योंकि आप सब निमित्त बने और मैं आपको सुना पाया और आपके हृदय में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उन्हें मैं कोटि कोटि दंड प्रणाम करते हुए यह यमुनाष्टक स्तोत्र को यहाँ पे ही विराम देता हूँ।
श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितम श्री अविनाशक स्तोत्रम संपूर्ण। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले आइए हम 41 पद में से श्री यमुना जी के एक पद का गान करें। श्री प्रजाधीश जी लालन बावा की जय। श्री कुष्टीधाम हवेली मां बिराजमान श्री रशिया ठाकुर नी सेवार्थ अने सुखार्थ पूज्य दादाजी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री नी सर्वाध्यक्षता मां सूरत मां
શ્રી ગો તીર્થ કામધેનુ ગૌશાળા કાર્યરત છે. તેમાં ગૌ માતાની સેવા અને સંવર્ધન ઘણા વર્ષોથી થઈ રહ્યું છે. ગૌ સેવા કરવી એ આપણો વૈષ્ણવ ધર્મ છે. તો પ્રભુ કૃપાથી આપણને જે પણ દ્રવ્ય મળ્યું હોય તેમાંથી ગાયોની સેવા માટે સુસંપત્તિ વિનિયોગ કરાવીએ. આપની ગૌ સેવા નિત્ય ચાલુ રહે એ માટે આપ ગૌતીર્થ કામધેનુ ગૌશાળાના કાયમી સભ્ય પણ બની શકો છો. વિશેષ તો અત્યારે હિંડોળા ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે. શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલીમાં પણ શ્રી રશિયા પ્રભુના સુખાર્થ વિવિધ પ્રકારના કલાત્મક હિંડોળાના મનોરથો કરવામાં આવે છે. તો આપ સૌ પણ તેમાં વિતજા સેવા કરીને શ્રી રશિયા પ્રભુના હિંડોળાના મનોરથી બની સહભાગી થઈ શકો છો. હિંડોળા ઉત્સવના મુખ્ય મનોરથી, સહ મનોરથી કે શુભેચ્છક મનોરથી પણ બની શકો છો. હવે વધારે સમય ન લેતા આપ સૌ વૈષ્ણવો વતી પૂજ્ય શ્રી ગોવર્ધનેજી મહોદયશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ વચનામૃત કરી અમોને સૌને લાભાન્વિત કરશો. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શિવલ્લભાધીશ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્યમને મહારાણી કી જય. અવાજ આવે છે ક્લિયર? હા જે આવે છે. બધું બરોબર છે? જે વિડિયો ઓન કરજો જી. વિડિયો ઓન. અચ્છા, વિડિયો ની જરૂર છે કારણ કે ઘણા ના વિડિયો બંધ જ છે, તો પછી શું ફરક પડે છે? હું એ કોશિશ કરું. ગિરિરાજ ધરણ કી જય. ગોવર્ધન નાથ કી જય. રામ સુંદર શ્યામને મહારાણી કી જય. ગોપાલ લાલ પ્યારે કી જય. હા ભાવેશ. હાજર હાજર. અવાજ ક્લિયર આવે છે ને? હા જી, અવાજ ક્લિયર છે. अच्छे लगते हैं, सबके मुख में हंसी होती है तो सुंदर दर्शन होते हैं. मंद मंद हास्य. श्री वाग्पते नमः. श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो. भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणि
रूपनाम विधेयेन जगत्प्रेरितयोगत प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभाञ्च कृतार्थोऽहं कृतार्थो कृतार्थोऽहं न संशयः श्रीमत्कथासंश्रवणोपयोगी श्रोत्रं ददौ यः करुणारसात् कथामृतास्वादनमूढचित्तं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये श्रीवाक्पते नमः। आइए प्रियजनों, मन को सावधान करते हुए अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु शिवलभाचार्य जी के अलौकिक अपराकृत स्वरूप का हृदय में ध्यान धर आप श्री के कोमल चरणारविंद में नमस्कार प्रणाम करें। आयुष्मान शिवराजाधीश जी एवं आयुष्मान शिवराजाधीप जी, एवं उपस्थित सत्संग सभा में जुड़े हुए आप सब आत्मीय जनों, भगवत कृपा से, शिवल्लभ की कृपा से, भगवत ठाकुर जी की कृपा से प्रति शनिवार एक यह सुंदर क्रम चल रहा है और भारत एवं भारत के बाहर हर जगह से वैष्णव जिनको हमारे से आत्मीयता है, जिनको सत्संग में रुचि है, ऐसे वैष्णव यह वर्चुअल सत्संग में जुड़ते हैं। और पिछले कई समय से कह सकते हैं या क्योंकि ये यमुनाष्टक जो प्रारंभ हुआ प्रति शनिवार लालन के मुखारविंद से एक एक श्लोक के भावार्थ गूढ़ार्थ को हमने सुना, समझने का प्रयास किया। आज यह नवम श्लोक के साथ श्री यमुनाष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। भले ही नित्य हम स्तोत्र का पाठ करते हों, यमुनाष्टक या अन्य कोई भी, वास्तव में वह संपूर्ण तभी होता है कि जब हम उसके अंदर रहे हुए भावार्थों को समझें। बाकी तो गणना के हिसाब से या रोज नित्य क्रम के हिसाब से पाठ हम कर लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वो तब कहलाएगा कि जब उसके अर्थ को भी हमारा जाना। जैसे पूर्व में ही फलश्रुति के अंतर्गत हमने ये बात सुनी, तवाष्टकम् इदं मुदा पठति सूरसूते सदा, और बड़े सुंदर भाव त्रिराजमान लालन ने मुदा शब्द के तीन भाव प्रकट किए, तीन अर्थ हमको समझाए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, संतोष है, बड़ों की कृपा से, पूज्य श्री दादाजी के आशीर्वाद से, श्री ताजी बड़े ताजी महाराज श्री श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री, आप सब महद आचार्यों की अनहद कृपा हमारे परिवार पर कि आज इतनी छोटी अल्प आयु में भी इतने सुंदर भाव उनकी वाणी से प्रकट हो रहे हैं, तो ये उनका प्रयास साधन से ये संभव नहीं है। मूल बात है महताम कृपया यावद भगवान दये इष्यति, जब भगवान की, जब बड़ों की कृपा होती है तभी कार्य अलौकिक कार्य सिद्ध होते हैं। तो आज इतनी अल्प आयु में अलग अलग टीकाओं को साथ में रखकर
श्री गोसाई जी की विवृत्ति या श्री गोकुलनाथ जी की वाणी, शहराय जी, श्री द्वारकेश जी, श्री पुरुषोत्तम जी, ऐसे महद आचार्यों के उनके टीकाओं को लेकर बोलना, ये बड़ी विशिष्ट बात है प्रियजनों। बाकी ऊपर ऊपर से तो कई लोग भाव प्रकट कर देते हैं, परंतु टीकाओं को साथ में लेकर जब ग्रंथ को देखा जाए तो वो एक अध्ययन के रूप में हो जाता है। तो प्रति शनिवार लगभग पिछले 2 महीनों से हम कह सकते हैं कि श्री यमुना जी के रंग में, यमुना जी के भाव का हम आनंद ले रहे हैं। उष्ण काल से ही ये प्रारंभ हुआ था, अभी तो ऋतु भी बदल गई, वर्षा ऋतु आ गई। यमुना जी की कृपा हो तभी जीव पर वर्षा होती है। तो ये मैं यहाँ पे अलौकिक भगवद रस की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा ही एक मुझे संतोष है और साथ ही साथ बड़ों के चरणारविंद में ये विनती भी है कि इसी प्रकार ये आपके ही बालक हैं, तो वंशे स्थापिता शेष, ये तो श्री गोसाई जी की वाणी है कि श्री महाप्रभु जी का जो विशिष्ट जो महिमा है, महात्म्य है, वो आपके वंशजों में विराजमान है। और जब लालन के मुखारविंद से इस प्रकार टीकाओं के साथ जब स्तोत्र का जब हम श्रवण करते हैं, तो श्री हराय जी की जो साखी में आप जो आज्ञा कर रहे हैं, श्री वल्लभ कुल बालक सभी एक स्वरूप, छोटो बड़ो ना जानियो सभी अग्नि स्वरूप, तो ये बात साक्षात रूप से प्रमाणित होते हुए दिखाई देती है कि छोटो बड़ो ना जानियो। इसलिए आज भी भले वो 60 साल का भी कौन ना हो कोई वैष्णव, लेकिन वो 6 महीने का या 1 दिन का मतलब कोई बालक होगा तो उसको दंडवत करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो बालक के अंदर स्ववंशे स्थापिता शेष है, वह श्री महाप्रभु जी का जो अंश है वह विराजमान है। बस इसी प्रकार आप महद आचार्यों के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मिलती, इसी प्रकार बालक पे अनुग्रह आपका बना हुआ रहे और अलग अलग ग्रंथों पर वाणी के द्वारा सेवा करते रहें। ये मनोभाव आज ये यमुनाष्टक की जो पूर्णाहुति हुई, उस पूर्णाहुति के रूप में मैं अपने मनोभाव प्रकट कर रहा हूँ। विशेष बहुत कुछ फलश्रुति में लालन ने हमको उसकी फलश्रुति बताई, और तो और साथ ही साथ अलग अलग टीकाओं के साथ इस अष्टक का हमने रसास्वादन किया, और यह अष्टक के नित्य पाठ के द्वारा क्या फल सिद्ध होगा वह फलश्रुति भी आज हमने जानी। जहां फल की बात है प्रियजनों, तो विचार किया जाए कि जो पुष्टि भक्त है उसके लिए फल क्या हो सकता है, पुष्टि भक्त आखिर क्या चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण में, ठाकुर जी में रति हो जाना, ठाकुर जी में प्रेम हो जाना। देखिए ये प्रेम रति होना ही अत्यंत दुर्लभ है। जैसे अभी हमने आप स्मरण करें, पूर्व में हमने सुना कि जो मुकुंद यानी जो मोक्ष देने वाले भगवान हैं, जिन्होंने पांडवों को, अपने यदुवंशियों को, अपने वंशों को भी, वंशजों को मुक्ति का दान दिया, मुक्ति प्रदान की, लेकिन जो भक्ति है, रति है, वो रति उनको प्रदान नहीं की। क्योंकि वह रति जो प्रेम है वो आपकी जो स्वामनिया हैं, गोपीजन हैं, उनको ही आप प्रदत्त, उनको ही आप दान करते हैं। और इसलिए उद्धव जी को भी गोपीजनों का संग प्राप्त हुआ, वो गोपीजनों की कृपा से उनके अंदर वह रति वह स्थित हुई। ये जो सबसे दुर्लभ चीज है प्रियजनों, वो है ठाकुर जी में रति होना। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन भगवत रति को प्राप्त करना कठिन। भगवान तो शिशुपाल ने भी प्राप्त किए, कंस ने भी प्राप्त किए, जो 100 गाली दे रहा है अंत में तो वो भी भगवान में उसकी गति हुई। जब सुदर्शन से उसका शिर छेदन आपने किया तो उस शिशुपाल में से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और भगवान के श्री विग्रह में सम्मिलित हो गया। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि ये गाली देने वाला, उसकी भी गति भगवान, क्योंकि ये तो भगवत अंश है, भगवान ने इसको मोक्ष का दान दिया। क्योंकि प्रत्येक जीव की जो परम गति है
या यूं कहें अंतिम गति है, वह केवल श्री कृष्ण ही है। तो भगवान को प्राप्त करना उससे भी विशिष्ट है प्रियजनों, भगवान में रति होना, खुद भगवान में प्रेम हो जाना, इसलिए इस भक्ति को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। और यह रति श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, भवति वै मुकुंदे रति, ये अष्टक का पाठ करने से जो दुर्लभतम रति है वह जीव के हृदय में स्थापित होती है। ये रति कैसी है, इसका अनुभव किसने किया? यह रति श्री गोपी जनों को प्राप्त हुई। जैसे हमने पूर्व में ही बात की कि ये जो रति है ठाकुर जी अपने स्वामियों को भी देते हैं, तो यह अलौकिक रति ठाकुर जी ने अपने गोपी जनों को दी। आप देखिए गोपी गीत के दर्शन करें, गोपी गीत के अंतर्गत दशम स्कंद में फल प्रकरण अंतर्गत जो गोपियों ने गीत गाया उस अंतर्गत गोपियां कहती हैं कि सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरदन निघ्न तो नेह किम वध। द्वितीय श्लोक में यह आता है, शरदुदास है साधु जात सर। तो यहाँ पे यह श्लोक के अंतर्गत गोपियां क्या कहती हैं कि सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, यहां उन गोपियों ने भगवान को सूरत नाथ कहके संबोधन किया। जो जैसा जीव होता है, जिसका जैसा मन होता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, वो उसी प्रकार संबोधन उसकी उसका स्वभाव उसकी वाणी से प्रकट हो जाता है। जैसे धर्म मार्ग पे चलने वाला जीव भगवान को कैसे पुकारेगा, क्या संबोधन करेगा, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले। अर्थ मार्ग पे चलने वाला जीव भगवान को कैसे संबोधन करेगा, हे लक्ष्मीपति, क्योंकि उसके मन में लक्ष्मी की चाह है, वो लक्ष्मीपति कहता है। मोक्ष मार्ग पे चलने वाला वह भगवान को कैसे संबोधन करेगा, वो कहेगा कि हे मुकुंद, जो मोक्ष का दान करे। लेकिन काम मार्ग पे चलने वाला भगवान को कैसे पुकारता है, गोपियां बता रही हैं, हे सूरत नाथ, सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, हे सूरत नाथ। यहां जो काम की बात है, रति की जो बात है, ये अलौकिक रति की बात है, भगवत परायण रति की बात है। वह अलौकिक काम क्या है, कामो हरे विद्रुक्षैव, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा। वैष्णवों का काम पुरुषार्थ क्या है, वैष्णवों का काम पुरुषार्थ, पुष्टि वैष्णवों का काम पुरुषार्थ। ऐसे अलग अलग जीवों के अलग अलग काम रहते हैं, आज काम, काल काम, परसों काम नहीं, पची मरनो। लेकिन वैष्णवों का काम पुरुषार्थ क्या है, हमारे आचार्यों ने बताया, कामो हरि विद्रुक्षैव, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा। प्रभु के साक्षात स्वरूप के दर्शन हो, यही वैष्णवों का काम पुरुषार्थ। काम मार्ग पे चलने वाला कहता है, हे सूरतना, सूरत सु यानी सुंदर, रथ यानी रति, यानी जो सुंदर रति को जो प्रदान करे और जो सुंदर रति को भोगे, उसको सूरतना कहा जाता है। भगवान के प्रति जो हमारी रति है वह अविनाशी कहलाती है, अविकारी कहलाती है, समझिए। लेकिन संसार परायण रति वह विनाशी है और विकारी भी है, एक के बाद एक विकार संसार परायण रति से हो सकते बढ़ सकते हैं, और विनाशी भी है, क्षण भंगुर भी है। जो संसार में रति होती है वो क्षण भंगुर। एक बार कोई एक माँ का एक पुत्र कहीं नेल में खो गया, माँ बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी, कोई मेरे पुत्र को लौटा दे, कोई ढूंढ के लिया है, खाना अच्छा नहीं लगे, पीना अच्छा नहीं लगे, सोना अच्छा नहीं लगे, सीधी बात है। एक रात निकल गई, बेटा मिला नहीं, पूरी रात बेटा 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 उसके व्याकुलता में रात भर निकल गया। दूसरे दिन भाग्य से उसका बेटा मिल गया, अब माँ की खुशी क्या होगी हम समझ सकते हैं।
बेटे को देख के ही आंसू से चहुधार आंसू बहने लगे और हाथ खोल के बेटे को आलिंगन किया, मुख पे चुंबन करने लगी। बेटा बेटा इतना सुख उसको उसको गले लगाने से प्राप्त हुआ, क्या वर्णन करें। थोड़ी देर हुई, बेटा कहीं खेलने गया, वापिस माँ के पास आया। कुछ ही क्षण में माँ उसको देखकर वापिस उसको अपने गले से लगा लिया, बेटा आओ बेटा आओ। तीसरी बार बेटा आया गले से लगाया, चौथी बार आया बेटे को गले से लगाया, पांचवी बार गले लगाया। अब छठी बार जब आया तो माँ कहती है, बेटा बहुत हुआ, अब जाओ खेलो। बहुत ही तू रंग बस कब तक चिपकेगा, कब तक गोदी में बैठेगा, अब खेलो। मतलब क्या हुआ कि पहली बार में जो उसको सुख मिला, दूसरी बार में उससे थोड़ा कम, तीसरी बार में उससे थोड़ा कम, चौथी बार में उससे और कम, पांचवी बार में खत्म। यानी संसार परायण जो रति है उसको विनाशी कहा जाता है, उसे विकारी कहा जाता है। मन में विकार लाने वाली संसार परायण रति है, क्योंकि जिसका हम चिंतन कर रहे हैं वो व्यक्ति पूर्ण नहीं है। यानी ऐसे व्यक्तियों का चिंतन किया जाएगा, उससे प्रेम किया जाएगा, तो फिर वह मन में विकार ही लाएगा। और भगवत परायण रति वह अविनाशी अविकार, इसलिए इसको सुंदर कहा गया। सुरत नाथते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बध। जो सुंदर रति को दान करे और जो सुंदर रति को भोगे, हे प्रभु वह आप सुरत नाथ हैं। वो भी यहां कहती है कि हमारे अंदर जो रति है प्रभु, वह रति आप ही ने तो हमको प्रदान की है, प्रेम हरि को रूप है, प्रेम स्वरूप ठाकुर जी ही हैं। और प्रेम केवल और केवल प्रभु से ही हो सकता है। संसार में हमको जो प्रेम हम जिसको जानते हैं वो प्रेम नहीं है, वो मोह, उसको मोह कहते हैं। क्योंकि सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रही हुई है, आशाएं रही हुई है, इसलिए उसको विकारी कहा जाता है। लेकिन प्रेम स्वरूप ठाकुर जी हो, ठाकुर जी में जो हमें होता है उसको प्रेम कहा जाता है। गोपियां कह रही हैं कि प्रभु आपने ये जो हमारे अंदर रति जागृत करी है उसके कर्ता भी आप हैं। अब ये जो रति प्रकट हुई उसको भोग कौन भोगेगा, उसको भोगने वाले भी भोगता प्रभु आप ही हैं। हे प्रभु, गोपियां कहती हैं प्रभु अब ये समय आया और आप ये अंतर ध्यान हो गए, क्यों प्रभु आप अपनी दासियों को मार रहे हैं। ठाकुर जी कहने लगे, अरे मैं तुमको कहां मार रहा हूं, क्या मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तीर धनुष सुदर्शन कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, मैंने कब वध किया। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपको आपके ये जो लाल लाल जो नेत्र हैं, ये नेत्र क्या ये शस्त्रों से कम हैं, ये तो उन अस्त्र शस्त्रों से भी आपके ये जो नेत्र हैं अरुण, वो ज्यादा घातक हैं, ज्यादा मारक हैं। आपको मारने के लिए कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। वरद निघ्न तो नेह किम बध, आप अपने नेह आप अपने चक्षुओं से अपने नेत्रों से, क्योंकि आपके नेत्र कटाक्षयुक्त हैं। कमल सी अखिया लाल तिहारी, तिनसों तक तक तीर चलावत, भेदत है छतिया हमारी, कमल सी अखिया लाल तिहारी। यह आपकी जो आंखें नेत्र हैं, ये जो लाल, वह लाल भी हमारी रति के कारण ही तो हुए, उस वजह से ही आपकी नेत्र लाल हैं। और आपकी कटाक्षयुक्त नेत्र मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो इनमें बस गए सो हो गए भोती पार। आपकी ये कटाक्ष लाल लाल युक्त नेत्र, 300 तक तक तीर चलावत, उनसे आप कटाक्षयुक्त नेत्रों से हमें आप देख रहे हो, ये तो उन अस्त्र शस्त्रों से भी ज्यादा घातक है। हे प्रभु, हे सुरतनाथ, हम तो आपकी बिना शुल्क की दासियां हैं, बिना मोल की दासियां, भला हम दासियों का वध करके आपको क्या हासिल होगा, आपको क्या प्राप्त होगा, उल्टे प्रभु आपको लांछन ही लगेगा। ये वरद वरदान देने वाले आपने ही हमको वर दिया था, अब ये समय आया तो
तो हे प्रभु कृपा करें। तुरतनाथ कह के गोपियों के अंदर रही हुई जो अलौकिक आदिदेविक जो रति है वह रति भाव अपने शब्दों से वो प्रकट कर रही है। जो प्रभु आप प्रकट नहीं हुए तो यह रति निरर्थक हो जाएगी, इसका कोई मोल ही नहीं रहेगा। प्रियजनों, इस संबोधन से समझा जा सकता है कि यह रति जो है, प्रेम जो है, अलौकिक, अति दुर्लभ, बड़ा ही विशिष्ट है। और श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि तवाष्टकम विदम मुदा, जो जीव ये श्री यमनाष्टक का नित्य पाठ करता है, जो रीत हमने सुनी पूर्व में, उस अनुसार जब यमनाष्टक का पाठ करता है भाव के साथ स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नाम और स्वरूप का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना स्वरूप के ध्यान के किया हुआ नाम, इससे अच्छा भले एक ही नाम हो लेकिन जिसका नाम दे रहे हैं उसका स्वरूप का अनुसंधान लेके तुम नाम करो तो वो करोड़ों नाम से भी ज्यादा फलदायी है। आप देखिए अजामिल के प्रसंग में श्री आचार्य जी ने यहां पर यही बात हमको समझाई। नारायण नारायण के नाम के उच्चारण से जो यमदूत आए हुए थे वहां पे विष्णु पार्षद आ गए, उसको नूतन जीवन मिल गया। आप ये कथा से परिचित होंगे, स्मरण करें उस कथा का, कि उस अजामिल को एक नया जीवन मिल गया केवल नारायण नाम के उच्चारण से। और उसने यमदूत एवं विष्णु पार्षदों के संवाद सुने, भगवान की नाम की महिमा को जाना, तो उसके हृदय में बड़ा ही अत्यंत दुख हुआ, ताप हुआ कि देखो ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, इतने इतने मैंने पाप किए लेकिन फिर भी आज जाने अनजाने में लिया हुआ नाम से भी आप मुझे ये जो यम की यातना है, ये जो दंड है, उससे आप मुझे बचा रहे हैं। जो अनजाने में लिए हुए नाम से ये फल मिल सकता है तो फिर मैं उनके स्वरूप का ध्यान कर जब नाम लूंगा तो उससे मुझे क्या प्राप्त नहीं होगा। और फिर अजामिल ने भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए गंगा जी का आश्रय लिया, ठाकुर जी के नाम का स्मरण किया और फिर अंत में पुनः विष्णु पार्षद उसको लेने। यहां इस प्रसंग से ये बात हमें समझनी है कि जब प्रथम बार विष्णु पार्षद आए तो अजामिल को साथ क्यों न ले गए। तो श्री आचार्य जी हमको समझाते हैं कि प्रथम बार जो अजामिल ने भगवान का नाम लिया उस समय नाम तो भगवान का लिया लेकिन स्वरूप किसका था, उसके पुत्र का था। ध्यान में स्वरूप कौन सा था, उसके बेटे को पुकार रहा है। लेकिन जब दूसरी बार उसने प्रभु के नाम का चिंतन स्मरण किया तब ध्यान भी उसका ठाकुर जी ही थे, स्वरूप उसके हृदय में प्रभु बसे हुए थे, तब उसको विष्णु पार्षद लेने के लिए आए। तो जो भी हम नाम लेते हैं प्रियजनों, उसके साथ स्वरूप ध्यान परम आवश्यक है। यानी जब अष्टक का पाठ करते हो तो एक नित्य नियम के हिसाब से पाठ कर लिया, ऐसे नहीं, लेकिन स्वरूप के साथ शिवनाथ जी के चित्र जी सम्मुख विराजता हो, उनको दंडवत प्रणाम करके पश्चात फिर यमुना अष्टक का पाठ करें तो वो स्वरूप भी साक्षात रूप से ध्यान में होगा और नाम तो वो विशिष्ट फल देता है। और क्या फल, के भगवती वै मुकुंद देती है, ठाकुर जी में वह रति प्रदान करती है। कितना आप विचार करें कि ये यमुनाष्टक कितना असाधारण है कि भगवान के स्वभाव को परिवर्तित कर देता है। भगवान का स्वभाव बदल जाता है, जो मोक्ष दाता है वो भक्ति दाता बन जाते हैं। यानी यह यष्टक प्रियजनों बड़ा ही विशिष्ट है और ये इतने समय से सत्संग के सत्र में हमने एक एक श्लोक के अलग अलग टीकाओं का संदर्भ लेके चिरायुष्मान लालन के कारण से हमने यह अष्टक का श्रवण किया, जिसकी वीडियो यूट्यूब के अपनी चैनल पे भी उपलब्ध है। क्योंकि बात हमने जैसे सुनी जीवा स्वभाव से दुष्ट हम भूल जाते हैं, तो अपनी पुष्टि मंथन चैनल पे भी आप बार बार उसका इसका हम श्रवण करते रहें कि जिससे उस स्तोत्र का अनुसंधान रहे। प्रथम श्लोक से लेके अष्टम जो श्लोक है आज हमने उसकी फलश्रुति सुनी। यमुनाष्टक का आज विराम हुआ। पूज्य श्री दादाजी की कुछ ऐसी आज्ञा थी कि भाई आज ये यमुनाष्टक पूर्ण हो रहा है तो लालन के जब प्रवचन पूरे हो जाएं तो उसके बाद
एक अनुक्रमणिकार के रूप में कि अभी तक हमने जो प्रथम श्लोक से लेकर ये जो नवम श्लोक तक जो हमने श्रवण किया, तो उसको एक फास्ट फॉरवर्ड यू कह सकते हैं कि अनुक्रमणिका के रूप में संक्षिप्त में पुनः एक बार उसका पान कर लिया जाए, जिससे वो आत्मसार हो। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत के जो आयोजन होते हैं, तो जो अंतिम सप्तम जो दिवस होता है, तो उस दिन भागवत की हुंडी बोली जाती है। हुंडी बोलते हैं, हुंडी मतलब विद्वान लोग हुंडी बोलते हैं, कि हुंडी का मतलब कि जो प्रथम स्कंद से लेके द्वादश स्कंद तक किन किन कथाओं का हमने श्रवण किया, प्रथम स्कंद से लेके द्वादश स्कंद तक कौन कौन सी बातें, कौन कौन से चरित्र, कौन कौन से उपदेश आए, तो उसको संक्षिप्त में पुनः रिपीट किया जाता है, तो पूरा एक आवर्तन हमारा हो जाए और पूरा फल उस भागवत जी का प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज ये यमुनाष्टक की यहाँ पे पूर्णा होती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो पूज्य श्री पितृचरण ने आज्ञा, दादाजी ने आज्ञा करी थी, ऐसा प्रयास करो कि संक्षिप्त में ही, क्योंकि इतना समय भी नहीं है कि एक एक श्लोक का पुनः विस्तार करें, तो संक्षिप्त में मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा ध्यान दें, सावधानी रखें। प्रथम श्लोक में हमने नमामि यमुना महम जोशी आचार्य चरण ने स्तुति का प्रारंभ किया नमामि शब्द से, जिससे ये ज्ञात होता है कि हम सब जीवों का और कोई सामर्थ्य है ही नहीं, वह जीव ठाकुर जी को क्या दे सकता है कि नमस्कार एव कर्तव्य, क्योंकि किमासनमते गरुडासनाय किम भूषिताय कौस्तुभ भूषणाय, गरुड़ जिसका आसन हो, कौस्तुभ मणि जो गले में धारण करते हो, किम दीयताय, ऐसे परमेश्वर ऐसे परमात्मा को जीव क्या दे सकता है, ऐसा तो भला हमारा क्या सामर्थ्य है कि हम उनको दे सकें। श्री आचार्य जी समझाते हैं कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल और केवल नमस्कार एव कर्तव्य, नमन, नमस्कार में ही समर्पण का भाव रहा हुआ है। जब हम नमस्कार करते हैं तो न ममह इति नमः, कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ प्रभु आपका ही है। तो श्री आचार्य जी नमस्कार से यानी नमामि शब्द से प्रारंभ किया, क्योंकि और कोई सामर्थ्य जीव का है नहीं। नमस्कार के पश्चात प्रथम श्लोक के अंतर्गत बताया गया कि श्री यमुना जी कैसी हैं, कि सकल सिद्धि को देने वाली हैं, अर्थात भगवत सेवा प्रयोगी देह, अर्थात सर्वात्म भाव को प्रदान करने वाली श्री यमुना जी हैं, इसका निरूपण आपने प्रथम श्लोक में किया। सर्वात्म भाव दो प्रकार के बताए गए, इसको भी हमने श्रवण किया था, आपको जो स्मरण हो। टीका के अंतर्गत श्री गोसाई जी बताते हैं कि दो प्रकार के सर्वात्म भाव हैं, एक मर्यादा मार्गीय और एक पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव। मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव किसको कहते हैं, कि जहां पे समस्त इंद्रियों का विनियोग भगवान में हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन दोनों का जो भेद है, जो आप चिंतन करेंगे तो उसके अर्थ को समझ पाएंगे कि मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव क्या है, कि समस्त इंद्रियों को भगवान ने विनियोग कर देना, और पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव क्या है। तो श्री गोसाई जी समझाते हैं कि जहां अलौकिक इंद्रियां प्राप्त करके भगवत लीला का जीव आनंद प्राप्त कर सके, भगवत लीला का अनुभव प्राप्त कर सके, जो वेणु गीत में गोपियों ने बताया, अक्षण वताम फलमिदम न परम विदामहम। एक होता है मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव के, जहां पे केवल इंद्रियों का, अपनी इंद्रियों का विनियोग है, और एक है कि उन्हीं इंद्रियों में ऐसा अलौकिक सामर्थ्य हो कि ठाकुर जी और उनकी लीलाओं का अनुभव जीव प्राप्त कर सके, उनके दर्शन कर सके। दोनों में भेद है, इसलिए गोपियां अक्षणवताम, अक्षणवताम इंद्रियवताम, के इंद्रियधारियों का परम फल क्या है, कि ये इंद्रियों का विनियोग ठाकुर जी में हो, ये इंद्रियों से भगवत लीला का अनुभव जीव कर सके, तभी प्रियजनों ये इंद्रियों की सार्थकता है। इसको कहा जाता है पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव, कि हम अपनी इंद्रियों से, क्योंकि भगवत विषय को अनुभव करने के लिए ये लौकिक इंद्रियां जो विषयों को ग्रहण करती हैं,
उन लौकिक इंद्रियों से भगवत अलौकिक रस का अनुभव संभव नहीं है। जिन इंद्रियों से हम लौकिक विषयों को ग्रहण करेंगे उनसे अलौकिक रस का पान कैसे कर सकोगे? उसके लिए कोई अलौकिक सामर्थ्य योग्यता तो चाहिए, तो वो योग्यता श्री अमनाजी प्रदान करने वाली है। इसीलिए कहा सकल सिद्धि, सकल सिद्धियों को देने वाली, सर्वात्म भाव प्रदान करने वाली, कि आप अपनी ही इंद्रियों से ऐसा वो सामर्थ्य युक्त हो जाएंगी कि आप अपनी इंद्रियों से ठाकुर जी की लीला का अनुभव कर सको, उनकी लीला का पान कर सको। क्योंकि भगवान लौकिक इंद्रियों से परे हैं। तो ये बात प्रथम श्लोक में बताई गई कि ऐसे सर्वात्म भाव प्रदान करने वाली श्री यमुना जी को नमस्कार, नमन करते हैं। द्वितीय श्लोक के अंतर्गत हमने ये जाना, ये सुना कि श्री आचार्य जी कलिंद गिरी मस्तके, यानी श्री यमुना जी का भूतल पर जो आविर्भाव का जो प्रकार है उसका निरूपण द्वितीय श्लोक में किया गया, इसलिए कलिंद शब्द का प्रयोग किया कि श्री यमुना जी अत्यंत वेग से कलिंद पर्वत के शिखर से होती हुई ब्रज की ओर आप गति कर रही हैं। तो भूतल पर आविर्भाव का प्रकार ये द्वितीय श्लोक में बताया गया। और सघोष गति दंतुरा, बड़े कलिंदगिरी पर्वत से पधारते हुए बड़े सघोष, बड़े आवेश में, बड़े वेग में गति कर रही है। आवेश युक्त गति होने का कारण क्या है? श्री आचार्य जी ने बताया क्योंकि आपके अंदर विविध प्रकार के भाव रहे हुए, जिसको श्री महाप्रभु जी ने दंतुर शब्द से सिद्ध किया है। ये जो कलिंद गिरी मस्तके पतद मंद पूरो जुना विलास गमनो लसत कंठ कंठ शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ रति वर्धनी जयति पद्म बंधुसुता। यहाँ पे द्वितीय श्लोक के अंतर्गत सघोष गति दंतुरा समधिरूढ दोलोकतमा, ये जो दंतुर जो शब्द है वो क्या भाव प्रकट कर रहा है? साहित्य में वर्णन आता है कि जब नायिका जब प्रथम बार अपने नायक अपने प्रियतम को मिलने के लिए जाती है तब उसके मन में विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पे श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि विलास गमनो नसत, बड़े उद्वेग के साथ उतावल में आप पधार रही हैं और दंतुर शब्द से विविध प्रकार के भावों को लेकर आप ब्रज की ओर गति कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर वर्णन द्वितीय श्लोक में बताया है कि दंड शैलोन्नता, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे आपके स्वरूप हो रहे हैं कि मानो पालकी में सवार होकर आप अपने प्रियतम को मिलने के लिए यमुना जी पधार रही है। इसलिए कहा भगवदियों ने कि नेह कारण श्री यमुने जो प्रथम आई, अर्थ यूं ले सकते हैं एक तो ठाकुर जी के लिए नेह के कारण, तो या तो भक्तों के नेह के कारण यमुना जो प्रथम आई। तो इस प्रकार श्री यमुना जी के द्वितीय श्लोक में आविर्भाव का प्रकार बताया गया। तृतीय श्लोक में आपसी ने भुवन भुवन पावन, यह शब्द से श्री यमुना जी का यह भुवन में पधारने का प्रयोजन क्या है उसका निरूपण किया है। क्यों श्री यमुना जी भूतल पर पधारी? तो के भुवन भुवन पावनी, यह भुवन को यानी इस जगत को पावन करने के लिए आप इस धरा पर पधारी हैं। और जब आप अपने भुवन में पधारी तो शुक मयूर हंस आदि भी, यानी ये जो शुक मयूर हंस आदि ये जो अनेक जो पक्षी हैं जो कायिक वाचिक मानसिक सेवा में तत्पर हैं, और ये जो पक्षियां हैं ये नित्य लीला के ये देवी जीव उस समय की आवश्यकता के अनुसार जहां जैसी सामग्री की अपेक्षा है अपेक्षित है वहां वैसी सेवा ये पक्षी कर रहे हैं। और श्री यमुना जी भूमि पे पधारने का ये जो प्रयोजन श्री आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया वीरव सेविताम सुखमयूर हंसादि, और कैसे पधार रही हैं? तो कि तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति का वालुका, अर्थात अपने प्रियतम को मिलने के लिए सुंदर श्रृंगार सजोती हुई पधार। क्योंकि तरंग भुज कंकण, आपको स्मरण होगा हमने पूर्व में ये विषय को सुना था कि ये जो तरंगे आती हैं शिवना जी की
उन तरंगों से यमुना तट की जो वालू है वह वालू वो मुक्ता के भांति यानी मोतियों के भांति चमकती हैं, और वह मोती मानो क्या है कि यमुना जी के तरंग यानी भुजाओं पर भराए हुए कंकन, यानी सुंदर श्रृंगार युक्त जैसे एक नायिका अपने नायक को मिलने के लिए सुंदर अपने आप को सजोती है, श्रृंगार करती है, क्योंकि वो रस उद्दीपन का भाव उसमें रहा हुआ है, उससे रस उद्दीपन होता है। ये रस शास्त्र का विषय है कि किस प्रकार से नायक को रिझाना चाहिए, कि उसमें ये ठाकुर जी के लीला संबंधित जो चौबारी देवी देवार अलग अलग जो शक्तियां अलग अलग जो ये जो गोपियां जन बताई गई है, कोई सामग्री तैयार करती है, कोई कुछ करती है, कोई उद्दीपन भाव करती है, कोई वार्ता के गीत गाती है, कोई अलग अलग सामग्री लेके आती है, कोई लीला जो अनधिकारी जीव है उनको उस लीला में प्रवेश नहीं करने देती। ये 10 प्रकार की श्री ठाकुर जी की शक्तियां रही हुई है कि जो रस उद्दीपन का कार्य करती है। तो उसी रस के अंतर्गत ये जो श्रृंगार रस है, ये जो यमुना जी जो नायिका रूप जो सुंदर श्रृंगार धारण करती हुई श्री ठाकुर जी की ओर पधार रही है, यानी इस विषय से हम ये बात भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने प्रियतम को मिलने जाएं, यानी कि हमारे प्रियतम कौन, तो कि हमारे घर में विराजे हुए हमारे ठाकुर जी, जब ठाकुर जी के सन्मुख जाएं तो सुंदर श्रृंगार सजोते हुए प्रभु के आगे सुंदर बनते हुए ठाकुर जी के सेवा में पहुंचना चाहिए। जैसे कि पदों में भी आता है कि राती पीली चोरी पहरे मोतन झूमक सारी बधाई के में आता है कि जब गोपीजन ठाकुर जी को मिलने के लिए निकली, सुंदर वस्त्र धराए, सुंदर श्रृंगार धराए, ऐसे अपने आप को संवारती हुई ठाकुर जी के दर्शन को जारी। तो ये माधुर्य भाव का विषय है। तो इस प्रकार से जब हम सेवा में जाएं, तो सेवा में जाते समय सुंदर अपने वैष्णवी पोशाक को धारण करते हुए सुंदर श्रृंगार, वैष्णव का श्रृंगार क्या है, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, सुंदर मस्तक पर उर्ध्वपुंड तिलक धारण किया हो, चंदन चरणामृत हमने लिया हुआ हो, गले में कंठी माला हो, धोती बंडी हो, महिला अपनी वैष्णवी पोशाक तो पुरुष अपने वैष्णवी पोशाक सुंदर श्रृंगार, ये श्रृंगार को धराते हुए जब ठाकुर जी के सम्मुख जाए तो प्रियतम वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बात का निरूपण तृतीय श्लोक में किया गया। चतुर्थ श्लोक में हमने श्रवण किया कि श्री यमुना जी आप अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते, कि श्री यमुना जी कैसी हैं, अनंत गुणों से भूषित हैं। जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी में षष्ठ गुण धर्म विराजमान है, ऐसे ही श्री यमुना जी में षट गुण धर्म आप में विराजमान। और साथ में ये भी जाना कि घना घन निवेश सदा ध्रुव पराशरा विष्ट, कि श्री यमुना जी का आपका स्वरूप कैसा है, कि घना घन जैसे घन यानी मेघ जब जल से भरे हुए रहते हैं तो श्याम होते हैं, उसी प्रकार से श्री यमुना जी भी कृपा रस से भरे हुए हैं, इसलिए आपका वर्ण भी श्याम है, आप श्री यमुना जी कृपामयी हैं। तो ये निर्देश कराने के लिए यहाँ पे घना घन शब्द का आपने प्रयोग किया, और आगे कहते हैं कि ध्रुव पराशरा, ध्रुव पराशरा को अभिष्ट वस्तु दान में देने वाली ऐसी श्री यमुना जी जो मथुरा नगरी मुक्ति प्रदान करने वाली थी, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते, लेकिन वह मथुरा नगरी यमुना तट पे होने के कारण वह भक्ति दायिनी बन गई, क्योंकि जहां पे यमुना जी का तट है वही पे ठाकुर जी विराजमान है, वही पे सकल गोप गोपी वृते, वही पे सकल गोपीजन विराजमान है, और वहीं पे समस्त ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं। तो ऐसे मम मन सुखम भावय कहकर श्री आचार्य चरण कि जो सुख भगवत रस संबंधित है, वह सुख जब तक आप इस सुख का विचार नहीं करेंगे तब तक वह सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, इसलिए आप वह सुख का मम मन सुखम भावय उस सुख का आप विचार करें, ये विनती चतुर्थ श्लोक में आचार्य चरण ने बताई। पंचम श्लोक अंतर्गत यह बताया गया कि श्री यमुना जी भक्तों के उत्कर्ष को बढ़ाने वाली है। इस जगत में संसार में सब अपने उत्कर्ष अपनी महिमा का गान करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन श्री यमुना जी कैसे हैं, भक्तों के उत्कर्ष को बढ़ाने वाली है। और जो श्री यमुना जी भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाती है, बोला उनके उत्कर्ष का वर्णन कैसे किया जाए, ये भाव श्री आचार्य चरण पंचम श्लोक में निवेदन करते हैं कि श्री यमुना जी के संग से
श्री गंगा जी प्रभु के प्रिय बनी। तया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत सकल सिद्धिदासे मताम। ये जो सकल सिद्धि देने वाली ये श्री यमुना जी हैं। जब श्री यमुना जी की कृपा श्री गंगा जी पे हुई, यमुना जी का संगम जब हुआ, तो श्री यमुना जी के प्रभाव से गंगा जी भी सकल सिद्धि देने वाली हुई। और जो पुष्टि स्थित जो जीव हैं, वो सदा इसी प्रकार से श्री यमुना जी के दर्शन करते हैं। ऐसी श्री यमुना जी उनके समान भला इस जगत में कौन है? तो कहा कि तया सदृशता मिया कमल जास पत्नी वयद। कमल जा यानी श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी श्री ठाकुर जी की अर्धांगिनी है और श्री यमुना जी भी प्रभु की तुर्य प्रिया है। तो एक पत्नी होने के नाती, सपत्नी होने के नाती, तया सदृशता मिया श्री लक्ष्मी जी श्री यमुना जी के समान कही जा सकती हैं, केवल सपत्नी के रूप में, लेकिन अन्य गुणों में तो लक्ष्मी जी से भी विशिष्ट श्री यमुना जी हैं। यमुना जी के अंदर महान गुण विराजमान है, क्योंकि जिस पर लक्ष्मी जी कृपा करती हैं, वह जीव भोग विलास में पड़ जाता है जो उसके दुख का कारण है, लेकिन श्री यमुना जी जिस पर कृपा करती हैं, उसको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो गुणों से देखा जाए तो लक्ष्मी जी से भी कई गुना गुण श्री यमुना जी में विराजमान है। तो उस अर्थ में लक्ष्मी जी के साथ भी श्री यमुना जी की तुलना नहीं की जा सकती। यह भाव श्री आचार्य चरण ने पंचम श्लोक में निवेदन किया। तो ऐसे श्री यमुना जी को षष्ठम श्लोक में श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्। हे श्री यमुना जी, आपके गुणगान कितने गाए जाए, आपका चरित्र तो अत्यंत अद्भुत है। हमने ये बात जानी थी कि ठाकुर जी का चरित्र अद्भुत है, परंतु श्री यमुना जी का चरित्र मत्यद्भुतम् अति अद्भुत है। क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है, आपका धर्म कैसा है, कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान सतैव भजाम्यहम्। जो जीव जिस प्रकार से मुझे भजता है, मैं भी उस प्रकार से उसको जीव को भजता हूं। इसलिए आपका चरित्र अद्भुत है। लेकिन श्री आचार्य चरण ने इस स्तोत्र में अति अद्भुत शब्द का प्रयोग किया, जिससे ये बात आप हमको बता रहे हैं कि यमुना जी की महिमा को जाने बिना भी, यमुना जी के महात्म को जाने बिना भी, एक सहज भाव से जीव यमुना जी का पेय पान करता है, अपनी प्यास मिटाने के लिए भी यमुना जी का आश्रय करता है, तो श्री यमुना जी उस जीव पर कृपा करती है, उस पर भक्ति का दान कर देती है। ठाकुर जी तो जो जिस प्रकार से भजे उस अनुसार कृपा करते हैं, लेकिन यहाँ तो केवल कोई जीव अपनी प्यास मिटाने के लिए श्री यमुना जी के पास जाता है, यमुना जी की महिमा को जाने बिना भी। तो ऐसे जीव पर भी श्री यमुना जी कृपा करती हैं और भक्ति का दान करते हैं। इसलिए श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि तव चरित्र मत अद्भुतम्, और जो आपका एक बार पैपान कर ले, न जातु यम यातना, उसको यम के दंड भी भोगने नहीं पड़ते। देखिए बाकी शास्त्रों में हरेक कर्म के, फिर वो पापमय हो या पुण्यमय हो, दो प्रकार के कर्म होते हैं, या पापमय या पुण्यमय, दोनों कर्मों को भोगना पड़ता है, ये शास्त्र विधान है। लेकिन जब श्री यमुना जी की कृपा जीव पर हो जाती है, ये अष्टक के द्वारा वह कर्म बंधन से जीव मुक्त हो जाता है, पाप पुण्य के चक्र में से जीव छूट जाता है। यह बात षष्ठम श्लोक के अंतर्गत श्री आचार्य चरण ने निरूपण किया। तो ऐसी श्री यमुना जी सप्तम श्लोक में श्री आचार्य जी कहते हैं कि ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता। हे श्री यमुना जी, बस मैं यही चाह रखता हूं कि आपका सानिध्य तव सन्निधौ निरंतर ममास्तु मुझे प्राप्त होता रहे, बस मेरी। क्योंकि आप कैसी हैं, तनु नवत्व को देने वाली है। आपको पूर्व में स्मरण होगा कि इस विषय के पूर्व में हमने चर्चा की, तनुनवत्व का अर्थ है अलौकिक सामर्थ्य प्रदान करने वाली श्री यमुना जी है। कि अलौकिक सामर्थ्य सेवा का जो प्रथम फल है, अलौकिक सामर्थ्य, कि ठाकुर जी की जो लीला प्रभु के संयोग रस और विप्रयोग रस दोनों रस का जीव अनुभव कर सके, उसको अलौकिक सामर्थ्य कहा जाता है। क्योंकि विप्रयोगम परम फलम, वह विप्रयोग हमारे हृदय में धारण हो। आज
जब हमारे हृदय में प्रियजन ताप और हृदय में प्रकट हो कि हे प्रभु जन्म सब बातन बीत गयो, पूरा जन्म ऐसे ही बातों में निकलता जा रहा है, कुछ आपकी कृपा का अनुसंधान नहीं हो रहा है, कुछ सेवा में हम चित नहीं जोड़ पा रहे हैं, थोड़ी देर बस आपकी सन्मुखता रहती है, बाकी समय तो विषयों का ही चिंतन चलता रहता है, हे प्रभु कृपा करें, ये हमारी जो मनोवृत्ति है इस मनोवृत्ति को आप अपनी ओर खींचें। यानी इस प्रकार का भाव जब जीव के अंदर, ताप जीव के अंदर जो आता है वो केवल श्री यमुना जी की कृपा से ही आता है, और श्री यमुना जी कृपा करें तभी वो अनुनवत्व की प्राप्ति जीव को हो सकती है। ये बात श्री आचार्य चरण ने यहाँ पर सप्तम श्लोक में आपने निरूपण किया है, तनुनवत्व में तावता। इसलिए श्री आचार्य जी कहते हैं आप नदुर्लभतमारति मुरारि वो मुकुंद प्रिय, आप ठाकुर जी में अलौकिक रति, आप जो दुर्लभ रति है उसको देने वाली है, इसलिए हे श्री यमुना जी आपकी स्तुति जीव क्या कर सकता है। यहाँ पे लालना शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका भाव पूर्व में लालन ने बड़ा ही सुंदर भाव बताया था कि लालना यानी स्तुति नहीं, स्तुति जैसा, यानी जीव आपकी स्तुति कर सके वो भी उसका सामर्थ्य नहीं है, बस जीव आपकी लालना गा सकता है, लालना कर सकता है। तो ये भाव सप्तम श्लोक में निरूपण किया है। अष्टम श्लोक के अंतर्गत श्री आचार्य चरण कहते हैं हे शिवना जी स्तुतिम तव करोति कह कमल जास पत्नी प्रिय हरे यदनु सेवया भवति सौख्य मामोक्षतः। तुम तव करोति कह हे यमुना जी आपकी स्तुति भला कौन कर सकता है, किसमें ऐसा सामर्थ्य है कि वो आपकी स्तुति कर सके। जो श्री ठाकुर जी एवं समस्त गोपी जनों के संबंध से वह स्मर श्रम जल जो धारण करने वाली हैं, जो ऐसी रसात्मिका जो स्वरूप हैं, ऐसी श्री यमुना जी की स्तुति भला कौन कर सकता है। सकल गात्र जयी संगम शिख से लेके नख तक, सकल गात्र जो सर्वांग से जहां रस द्रवित होता है रास आदि लीला में, वह रस श्री यमुना जी को निरंतर प्राप्त है। तो ऐसी रसात्मिका स्वरूप की स्तुति करना यह अशक्य है, यह भाव आपने अष्टम श्लोक में और नवम श्लोक में प्रियजनों फल श्रुति, ये अत्यंत अद्भुत स्तुति है। इसलिए इदम शब्द कि ये जो फल बताया गया कि एक तो समस्त पापों का क्षय हो जाना, और जब पाप क्षय हो जाते हैं तभी मुकुंद भगवान में रति जागृत होती है, क्योंकि श्री आचार्य जी ने कहा कि विषयाक्रांत देहा नाम नावेशः सर्वथा हरि, जिसके हृदय में विषय, जिसका हृदय विषयाक्रांत है, विषयों से भरा हुआ है, नावेशः सर्वथा हरि, उसके अंदर हरि का आविर्भाव रति कभी आ नहीं सकती। यानी पाप नष्ट होना जो भगवत विरोधी है वो नष्ट होना परम आवश्यक है, और श्री यमुना जी की कृपा से ही तो यह समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आपका नाम कालिंदी है, जो कली कलमश के दोषों को धो डाले वह श्री यमुना जी हैं। तो भगवान मुकुंद में रति जागृत करने वाली और सबसे महत्व की चीज स्वभाव पर विजय प्राप्त कराने वाली। स्वभाव कैसे परिवर्तित हो, मनुष्य उसके रहे हुए अभाव से इतना दुखी नहीं है जिसके जिससे भी ज्यादा उसके स्वभाव से दुखी। ये स्वभाव परिवर्तित करना प्रियजनों, स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। यहाँ पे वल्लभ शब्द से ये प्रमाणिकता सिद्ध की, क्योंकि वाक्पति हैं, श्री वल्लभ की वाणी प्रमाण है, क्योंकि वो साक्षात लीला संबंधी हैं। तो वल्लभ यहाँ पे कह रहे हैं, ये भाव यहाँ पे बताया कि ये अष्टक का श्री यमुना जी के स्वरूप का ध्यान अनुसंधान करते हुए, उनके गुण उनकी लीला का अनुसंधान करते हुए, जो जीव जो पाठ करता ये अष्टक का निरंतर पाठ करेगा, उसके स्वभाव अवश्य बदल जाएगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, उसमें कोई भी संशय नहीं है। ये भाव, ये फलश्रुति आचार्य चरण ये नवम श्लोक में आपने ये बताया है, ये पूर्णांक है और प्रथम षोडश ग्रंथ का ये मंगलाचरण रूप है ये यमुनाष्टक। आचार्य जी की वाणी एक एक ग्रंथ अति अलौकिक अति दुर्लभ है। मुझे आशा है कि ये जो संक्षिप्त में ये जो नौ श्लोक का जो भाव हमने पूर्व में लालन के मुखारविंद से टीकाओं के माध्यम से श्रवण किया था, तो संक्षिप्त में पुनः एक बार आपका उसका आवर्तन हो गया होगा। तो मैं यही आशा रखूंगा प्रियजनों, नित्य नियम से यमुनाष्टक का पाठ करें। श्री यमुना सी कौन कृपाल या जगत में श्री यमुना सी कौन कृपाल, तो श्री यमुना जी परम कृपाल हैं।
नित्य निरंतर आपके स्वरूप आपकी लीला का चिंतन करते हुए का हम निरंतर पाठ करें, यही भूल उसकी प्रश्रुति है। तो विशेष प्रियजनों, ज्यादा विस्तार न करते हुए, समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब जने इतने समय से ये यमुनाष्टक का रसपान किया। और कई वैष्णवों के मुझे मैसेज फोन आते हैं कि जय जय लालन ने बड़े अच्छे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं, तो वो एक प्रकार का आपका आशीर्वाद है, मैं उसको आशीर्वाद के रूप में देखता हूँ। आप बड़े वैष्णवों के आशीर्वाद, वैष्णवों की कृपा है। बस यही चाहूंगा कि हमारे बालक है ये, हमारे लालन, दोनों बालकों पर आप सबका प्रेम, आप सबके आशीष, ये पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है कि भले वो गुरु स्थान पर हैं, लेकिन ये पुष्टि मार्ग की विलक्षणता के चलते आप वैष्णव उनको आशीष, इसे हम ठाकुर जी को नहीं, चिरजीव गोपाल रानी देरो, चिरजीव गोपाल, युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो। तो अपने मार्ग की विशेषता है कि वैष्णव को वो अधिकार दिया हुआ है कि वो अपने भाव, वो वात्सल्य भाव हो या कोई भी भाव हो, वह भाव से आशीष प्रदान करे। जब जब आप वैष्णव के आशीष मिलते हैं बड़ी खुशी होती है। तो बस आप सब वैष्णव के आशीष आशीर्वाद हमारे बालकों पे सदा रहें, हम पर रहें, यही मैं मनोभाव प्रकट करता हूँ। विशेष बस ज्यादा विस्तार न करते हुए, श्री यमुना जी आपके युगल चरणारविंद में, श्री वल्लभ के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडत प्रणाम करते हुए, हम सब के स्वभाव परिवर्तित हों, ठाकुर जी के लायक हमारा भाव बने, यही मंगल भाव के साथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय, गिरिराज धरण की, श्री गोपाल लाल प्यारे की। और आज जन्माष्टमी की भी बधाई बैठ गई है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। सुंदर सावन को हरियालो सावन ये चल रहा है, तो अपने घर में अपने ठाकुर जी के साथ आप खूब हिंडोला का आनंद लें, जो भी बन सके सुंदर घटा के अलग अलग भाव से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएं आप। यही बात कहते हुए अस्तु। श्री वल्लभा देश की जय, श्याम सुंदर श्री महाराणी की जय। अबे जेजे ने दंगत नो लाभ मरसे मिनिट माटे અનમ્યુટ કરું છું, તો અનુવાદ કરી લેજો બધા, અને ત્યારબાદ આશ્રય નું ગાન કરીશ, સ્પીકર વ્યૂ કરી લઈશ આજ। ज्योति अग्रवाल प्रणाम दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो,
द्रढ़ेन चरणन के श्रीवल्लभनख चंद्रछटाभिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ेन चरणन के साधन और नहीं आकले में जासू हो तनिवेर सूर कहा कहे द्विविध अंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन के दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के